गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। हमारी लाइफ में आगे ना बढ़ने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि हम ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। हम ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, हमारा काम ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, हमारी फैमिली ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, हमारा घर ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, हमारा कुछ भी जो लाइफ में अब हम ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। ना हम गोल सेट करते हैं, ना हम इन सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करके फॉलो करते हैं कोई स्केड्यूल। सो फॉलो करना कुछ भी स्केड्यूल इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग जो पाकिस्तान में कोई करना नहीं चाहता। और जितनी भी दुनिया में तरक्की की है कॉमन ने, अगर उनको आप जाके स्टडी करें तो एक चीज कॉमन मिलेगी, वो ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं। गवर्नमेंट भी, इदारे भी, कंपनीज भी, इंडिविजुअल भी कैलेंडर फॉलो करते हैं, टू डू लिस्ट फॉलो करते हैं, कुछ ना कुछ सिस्टम बनाया होता है। हमारे पास्ट में हमने देखा फोर फादर्स ने डायरियां बनाई होती थी, रजिस्टर, उस पे हिसाब किताब चीजें होती थी। हमारी यंग जनरेशन वो भी छोड़ चुकी है। हम इसलिए मतलब आज वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए है, अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड बनाएं एज अ स्टूडेंट, एज अ प्रोफेशनल, एज अ हेड ऑफ द हाउस। आप ऑर्गेनाइज होंगे, नीचे वाले लोग ऑर्गेनाइज। कुछ सिस्टम स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा ना, सुबह उठने का, शाम को सोने का, खाना खाने का, नमाज पढ़ने का, ऑफिस जाने का, काम करने का, वॉक करने का, ये सब यहाँ पे है, कहीं नहीं लिखा हुआ। कैलेंडर एप्स, ईच एंड एवरी एप ऑफ इंटरनेट इज अवेलेबल इन आवर फोन, लैपटॉप, बट we are not using because we think that we don't have time to do that. That's the critical point. We have time, but we don't do that. And we are not willing to do that. Wo will apne andar paida kar le ke aapne, jaise main ye video bana raha hu to mere calendar mein likha hua hai itne se itne baje tak maine video recording karni hai. Aap bhi isi tarah likhna shuru kare, record karna shuru kare. मेरा कैलेंडर पॉपुलेटेड होता है विद ईच एंड एवरी एक्टिविटी आई डू एवरी डे। अगर मैं ये जानना चाहूं कि 3 साल पहले आज के दिन में मैं इस टाइम पे कहां पे मौजूद था, मुझे सिर्फ कैलेंडर में जाना है और उस डेट पे देखना है मेरी एक्टिविटीज लिखी हुई है, मुझे याद नहीं रखना। सो अभी आजकल मैं एक ऐप यूज कर रहा हूँ मैकबुक में और आईफोन में और विंडोज लैपटॉप में और एंड्रॉइड फोन में भी अवेलेबल है, नोशन। नोशन एक ऐसी जबरदस्त ऐप है जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स, अपने गोल्स, अपने स्केड्यूल, अपनी टू डू लिस्ट, अपने स्कूल के ईच एंड एवरी काइंड ऑफ वर्क डिसिप्लिन जो भी आपका है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं और स्केड्यूल कर सकते हैं। Todoist एक ऐप है जिसमें आप अपनी टू डू लिस्ट और अपने प्रोजेक्ट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कुछ भी ना करें, गूगल कैलेंडर पे चले जाएं, उसी के अंदर लिख लीजिए पूरे दिन में क्या करना है। और कुछ भी नहीं, आपके पास आईफोन है, उसके नोट्स एप्लीकेशन में चले जाएं, वहां पे लिख लीजिए। एक टू डू लिस्ट बना लीजिए, एक आप अपना ऑफिस का पेज बना लें, एक अपना पर्सनल बना लें, एक फैमिली का बना लें और उसमें लिखते जाएं क्या क्या करना है। तो अगर मुझे कल ट्रेनिंग करना है कंडक्ट, तो मैं क्या करता हूँ, ट्रेनिंग के नीचे उसकी टू डू लिस्ट बना लेता हूँ, कैलेंडर, उसकी ट्रेनिंग के लिए प्रिंट आउट लेने हैं, हैंड आउट्स बनाने हैं, टेस्ट रेडी करना है, प्रेजेंटेशन रेडी करनी है, होटल बुक करना है या ऑफिस में कॉन्फ्रेंस रूम अगर बुक्ड है, उसके बाद पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट आ गई, उनके जो जो डिटेल्स हैं उसमें लिख के टिक 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 चेक किया आपने, शाम को आपने रियलाइज किया एवरीथिंग इज डन, नथिंग इज लेफ्ट, You are good to go for tomorrow. इसलिए अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड बनाएं, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज्ड बनाएं और अपनी लाइफ में कामयाबी को यकीनी बनाएं। और कामयाबी सिर्फ वही नहीं है कि किसी चीज का मिल जाना, ये जो प्रोसेस है कामयाबी तक पहुंचने का, इसको इंटरेस्टिंग, यूनिक, प्रोडक्टिव और रोल मॉडल बनाएं दूसरों के लिए। ये जिंदगी ऐसे ही बेहतर होगी, पहले अपनी जिंदगी बेहतर करें ताकि आपको देख के और लोग भी अपनी जिंदगी बेहतर कर सके। थैंक यू।